हेलो फ्रेंड, आज हम देखने वाले किचन एंड डाइनिंग विंटर स्टोरेज एचटीएमएल टेम्पलेट सेट एंड एड न्यू किचन डाइनिंग विंटर स्टोर एचटीएमएल फॉर्म सेट इन पीएसपी होम मैनेजमेंट सिस्टम इन हिंदी में। ये हमारी पूरी सीरीज है होम मैनेजमेंट सिस्टम की। आप देख सकते हो मेरे चैनल पे एरर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। ये मेरी चैनल है होम मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी सीरीज है, प्लेलिस्ट आप वहाँ जाके देख सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ किचन सेट के बारे में। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी मेरा जेम सर्वर स्टार्ट कर दिया। ये मेरा जेम सर्वर है, ये मेरा जेम के इनसाइड, एसटीडो के इनसाइड, ये मेरा होम मैनेजमेंट नेम का जो प्रोजेक्ट है वो मैंने ले लिया फोल्डर। अब देख सकते हो पूरा का पूरा फोल्डर मैंने ये वाला सबलाइन टच एडिटर में ले लिया है। आप ये जो भी एडिटर यूज कर रहे हो उसमें ले सकते हो। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट होम मैनेजमेंट, मैंने फोल्डर का नाम दे दिया, लॉगिन डिटेल लोकल होस्ट पीएसपी माय एडमिन। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ मेरा डेटाबेस का नाम कौन सा है। मेरा डेटाबेस का नाम है तो वो डेटाबेस का नाम मैं चला जाऊँगा config.php में। लोकल होस्ट पीएसपी माय एडमिन मैंने ओपन कर लिया। ये मेरा डेटाबेस का नाम है, आप देख सकते हो वो मैंने हाईलाइट कर दिया है आपको। इसमें लॉगिन डिटेल है, टेस्ट, ये मेरा ईमेल और पासवर्ड है तो मैं इधर ईमेल डालूंगा, इधर पासवर्ड मैंने सेव करके रखा है तो सेव कर हो जाएगा। देख सकते हो आज हम किचन सेट के बारे में देखें। प्रीवियस वीडियो में मेंबर के बारे में, क्लॉथ के बारे में हमने सब कुछ देखा है प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मेंबर सेट के बारे में। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सबसे पहले मैं चला जाऊँगा मेरा जहाँ पर मेरा साइड बार है, मेरा साइड बार कौन सी जगह, मेरा साइड बार है इसर में किचन का मेन जहाँ पे है वहाँ पे मैं चला जाऊँगा। ये मेरा किचन का मेन है, आप देख सकते हो इधर मैं एक नई किचन .php नाम की मैंने फाइल में स्मॉल कर डेवलप की है, देख सकते हो किचन डॉट का। बाद में मैं एक्टिव क्लास एक्टिव करूँगा, दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं किचन नाम की फाइल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने किचन नाम की फाइल क्रिएट की कर लेता हूँ, ये मैंने क्रिएट करके सक्सेसफुली देख सकते हो क्रिएट हो चुकी है। इधर भी किचन नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हो पहले नहीं थी। अब मैं किचन नाम की फाइल में सब सेव करके मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं किचन नाम की फाइल में जाऊँगा, देख सकते हो ब्लैंक आ चुका है। इधर फाइल में हाई लिखूंगा, मैं हाई लिखा और फाइल को सेव करके रन किया, देख सकते हो किचन में हाई आ चुका है। सबसे पहले मैं टेबल चेट करने वाला हूँ, टेबल एस्टिमेट टेबल ये वाला। सबसे पहले ये सेट करके आपको दिखाऊंगा एस्टिमेट टेबल। सबसे पहले चला जाता हूँ क्लॉथ पीएसपी में, क्लॉथ पीएसपी में कंट्रोल ए करके कॉपी कर लो तो सारा का सारा फाइल मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इधर पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हो मैंने पेस्ट किया है। इस फाइल का सारा कोड कॉपी करके मैंने नए किचन पीएसपी में मैंने पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हो। इसकी मेरे को ज़रूरत है, इधर मैं नेम चेंज कर लूँगा, मैंने नेम दे दिया है, ये मैं नेम रख लूँगा किचन डॉट होम, क्लॉथ की जगह मैंने रिमूव कर दिया, हम पेज रहने देते क्लॉथ में रिमूव कर दूँगा। मैंने फाइल को चेंज कर दिया है, इस मैसेज को फिलहाल मेरे को कोई ज़रूरत नहीं तो मैसेज को मैं सारे के सारे रिमूव कर देता हूँ, देख सकते हो मैंने रिमूव कर दिया मैसेज। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, देख सकते हो मैंने सारे के सारे हटा दिए। सब कुछ में इधर में किचन किचन
किचन मैं कर दिया, सॉरी किचन क्लॉथ की जगह पे मैं किचन कर दूंगा, किचन पीएसपी इसको मैं रिमूव कर दूंगा, मैंने रिमूव कर दिया। ये किचन कॉपी करके मैं क्लॉथ के सामने कर दूंगा, तो ये मैंने दूसरी बार लिखा था, आप देख सकते, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। किचन है, किचन को मैं डिलीट का भी हम करने वाला था, किचन को मैं डिलीट लगा देता हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया, देख सकते हो तीनों तीन फाइल में क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले ये मैंने एक फाइल क्रिएट करी व्यू की, व्यू शेयर करके क्लोज कर दिया। दूसरी फाइल है एड किचन एडिट, उसको भी मैं शेयर कर देता हूँ, शेयर करी और एडिट लिख के शेयर कर, शेयर करके मैंने क्लोज कर दिया। तो लास्ट फाइल है डिलीट की, उसको भी मैंने न्यू फाइल क्रिएट की, शेयर की और डिलीट लिख के शेयर कर दिया, देख सकते हो शेयर कर दिया। तीनों तीन फाइल मैंने क्रिएट कर दी, इसमें मैं नई वैल्यू देने वाला हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ। मैंने सारा का सारा हटा दिया, अब देख सकते हो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ, देखो सारा का सारा आ चुका। अब मैं इस किचन का सभी का नाम चेंज करने वाला हूँ, इधर एक मैं नई फाइल लेने वाला हूँ, इधर हम देख सकते, इधर एड किचन है, तो किचन इन मैं नई फाइल क्रिएट करूँगा, तो उसमें एड देख के मैंने सेव कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। अगर अगर मैंने एड लिख के सेव किया, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो एड वाला आ चुका है, मैंने नई फाइल बनाई है एड किचन, देख सकते हो एड किचन। अब मैं सारे के सारे नाम दे दूंगा, सारे के सारे नाम है, ये नाम मैं दे दूंगा, सबसे पहले टॉप पे नाम आएगा आईडी के बाद में, इसके बाद यह वाला नाम आएगा, लिख के ही रखा है, आपको टाइप कर देना है सब कुछ। तीन नाम है तो तीन में अलग तीन कॉलम ले लेता हूँ, तीन नाम की तीन कॉलम मैंने ले लिया। और तीन ऐड कर दूंगा, ये तीन काम कर रहे हो, उसको भी मैं ऐड कर दूंगा, देख सकते हो मैं सक्सेसफुली ऐड कर दिया, देख सकते हो चुका है। ये हमने बटन लगाया है डिलीट, और वो आपको दिख रहे हैं एसटीडी में एक्शन में, इसमें वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू आ जाएंगे, इसमें मैं वन डालूंगा, इसमें ऐड में डाल दूंगा, जो भी आप डालेंगे वो आ जाएगा, इसमें जो भी आप डालेंगे वो आ जाए, आने वाला है, देख सकते हो। देख सकते हो सभी वैल्यू आ चुके पहले में। अब मैं ऐड किचन में, ये हम किचन पर जो क्लॉथ पे है तो ये बटन किचन पर, क्लॉथ पे हाईलाइट है तो हम किचन पे आए तो किचन पे ये बटन हाईलाइट नहीं है, तो मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ मेरा साइड बार में, मेरा साइड बार है,
इसमें मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। देख सकते हो वो हाईलाइट रिफ्रेश करने के बाद वो हाईलाइट हो चुका है। किचन मैम है तो किचन हाईलाइट हो चुका है सक्सेसफुली। टाइप कर सकते हो, इतना सा कोड मैंने किया है, आप टाइप कर सकते हो। बाद में मैं चला जाऊँगा एड एड वाला किचन है ना, मैंने नई फाइल बनाई एड किचन, ये वाली मैं जल्दी इस पर सबमिट करूँगा तो ये एड शो हो रहा है। इधर मैं हाई लिखूँगा तो हाई शो हो रहा है। वो मैंने कहाँ पे क्रिएट किए, इधर अभी मेरा बटन दिख रहा है आपको, ये बटन बटन पे मैंने डाला हुआ है फाइल, वो मैंने क्रिएट की ये वाले फाइल आप देख सकते हैं। इधर मैं चला जाऊँगा एट क्लॉक में, तो सारा कंट्रोल लिया करके मैंने कॉपी किया और इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। मैंने पेस्ट कर दिया और इस फाइल को मैं क्लोज कर दिया, तो भी कोई मेरे को ज़रूरत नहीं। एड किचन वाले फाइल को मैंने पेस्ट कर दिया, पहले से मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी कोई मेरे को ज़रूरत नहीं, इस फाइल को मैं रिमूव कर दूंगा, उसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। इधर मैंने नया नाम रखा है किचन डिनर स्टोर, तो मैं ऐड पे जगह ये ऐड कर दूंगा। क्लॉथ की जगह पे मैंने सारा का सारा रिमूव कर दिया है, इसको मैं सब को हटा दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कौन से फाइल में को कॉल करनी है, रिफ्रेश ग्रो के बटन पे हमको किचन बनाना है, तो मैं किचन पीएसपी सेव कर दिया। और देख सकते हो मैंने होम भी बना डाला है, बैक पे गया, देखो बैक पे गया तो वो आ गया। एक किचन पे चैट पे हाईलाइट है, एक क्लास में तो मैं इधर पे जा रहा हूँ, तो मेरा को ये हाईलाइट लेना चाहिए। सबसे पहले मैं साइड बार में जाने के बाद में ये पूरा का पूरा कॉपी करूँगा, इसको मैंने कॉपी किया, डॉट डॉट करके मैंने ऐड कर दिया और फाइल का नाम दे दिया। फाइल का जो भी नाम है वो मैंने दे दिया। मैंने कितना सा इतना कोडिंग ऐड किया, इतना कोडिंग मैंने ऐड किया और शेयर कर दिया। देख सकते हो सक्सेसफुली एक्टिव मैम हो चुका है ये वाला, क्योंकि हम किचन में चैट में ही इसलिए। ये सभी फील्ड में आपको शेयर करके दिखाने वाला हूँ, ये सभी फील्ड। सबसे पहली फील्ड है ये वाला, तो वो वाले में एड में ला के मैं इसको नाम चेंज कर दूँगा। ये मैंने हटा दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, हटा दिया, देख सकते हो। दूसरी फील्ड है मेरी किचन टूल, किचन टूल में मैं
को रिफ्रेश करके बता ही देता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो सक्सेसफुली एड हो रहा है सारे के सारे। इसको मैं कॉपी करूँगा, इधर मैंने ऐड किया, शेयर किया थे। डेटा भी फिल करूंगा, आपको दिखा देता हूं कैसे डेटा आता है। इसमें से दो जॉइन क्वेरी लगने वाली है, इनर जॉइन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसमें मैं डेटा सेट कर देता हूं, इसमें सारे के सारे डेटा कौन सा आने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं दिखाऊँगा स्टोरेज में, ये स्टोरेज में मैं सलाह दूँगा मेरा स्टोरेज कौन सी जगह पर है। मेरा स्टोरेज है, स्टोरेज में सब कुछ ऐसा डेटा आएगा, देख सकते हो। इसको मैं हटा के देख, इतने सारे डेटा आने वाले हैं स्टोरेज में। ये वाला डेटा स्टोरेज में आएंगे, हम देख सकते हैं। स्टोरेज के डेटा आप ऐड कर देना, किचन का डेटा मैं इस वैल्यू को मैं रिमूव करके मैं किचन की आपको ऐड करके दिखाई देता हूँ। किचन में कितने आएंगे, कितना सा नया किचन में आने वाले हैं देख सकते हो। किचन का नया है, मैंने फाइल शेयर किया और रन किया। इसमें आया ब्रांड, फ्यूचर ब्रांड में कुछ इतना भी डेटा सही हो डाल सकते हो। इसमें से इतना डेटा आएगा, सेलेक्ट करेंगे हम कोई भी डेटा इसमें से और ऐड करेंगे। ये वाला सेक्शन देख सकते हो, पूरा का पूरा मैंने ऐड किया। मैंने ऐड कर दिया सक्सेसफुली, अब टाइप कर लेना सब कुछ। लास्ट वाला है मेरा, इससे भी एक लास्ट होगा। सॉरी एक वहाँ पे रह गया है, ओहो ये वाला रह गया, उसका नेम हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ किचन सेट में, किचन टूल सेट राइट है, सॉरी ये वाला है वो इधर आएगा, इसमें आने वाला है, सॉरी माय मिस्टेक। ये वाला है पूरा का पूरा कट करके मैंने इधर इसमें आने वाला है। और मैं आऊँगा स्टोरेज में, स्टोर का नया है अब देख सकते हैं वाला। लास्ट रहा किचन अप्लायंस, लास्ट इसको हटा देते हैं, फाइल को शेयर कर दिया, सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। अब देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो, सिलेक्शन किधर से
पूरा सेक्शन इधर कंप्लीट हो गया। मैं सब कुछ से भी फाइल सेव कर दी है, ये मैंने एयर का भी कर दिया है एस्टिमेट चैट, हम देख सकते हैं एयर का भी मैंने चैट कर दिया। सबसे पहले मैं टेबल को देख सकते हैं, सभी में डेटा आ सके क्योंकि हमने ऐड किया है इधर, ये वाला सभी डेटा मैंने ऐड किया है इसलिए वो आ रहा है। ये वाला डेटा सभी मैंने ऐड किया अलग अलग इसलिए इनसाइड डेटा आ रहा है, देख सकते हो। सबसे पहले मैंने टेबल सेट करवाया, उसमें सारा का सारा सभी मैंने फाइल में जो सेट कर दिया है, नया फाइल नहीं क्रिएट कर दी, सब कुछ कर दिया है इसलिए मैं नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इस जॉइन इस दोनों टेबल में से कैसे इधर एक डेटा लाएंगे और इधर इनर जॉइन कैसे डालेंगे और डेटा बेस माइस इधर नया टेबल क्रिएट करेंगे और इंसर्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लिस्ट सेट किया और सब दोनों का एस्टिमेट हमने सेट किया, नेक्स्ट वीडियो में हम डायनिंग करने वाले हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।